बाजी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सनराइज, थैंक यू. आप बहुत ही एक्साइटेड हैं, आपको जितने भी कलीग, योर फ्रेंड, योर फादर इन लॉ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं. एंड नाउ व्हाट्स योर टेक? आई एम एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड एट द रिस्पॉन्स. Mumbai has shown up in full force, and for that I'm very, very grateful. The issue of, you know, the women's safety and children's safety is the star, and I hope 100 films get made on this issue. Aur hum bas bolte jaye jab tak problem end ho. And hum bahut grateful hain ki United Nations ab is film ke peeche hain, aur usse jo bhi hain, unke jo bhi awaaze hain film mein, wo bahut bahut pure duniya pahunchegi. ये क्या वो रीज़न था जो आपने इस तरह का टॉपिक चूज़ किया? हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में गली बॉय जैसी फिल्म आती है, या लेकिन आपने सनराइज चूज़ किया, एनी पर्टिकुलर रीज़न? मैं ओनली सोशल इश्यूज़ पर काम करती हूँ, और ये आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, और वो है जेंडर इक्वालिटी, कि आदमी और औरत साथ चले, और अगर साथ चले दोनों का विन विन होगा. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू और हमने ले ली है, और अभी यूनाइटेड नेशंस हमारे साथ है, तो हम चाहते हैं कि ये फिल्म पूरे दुनिया पहुँचे. ओके, सो क्या कुछ आपके आपकी तरफ से क्या कुछ प्लानिंग होगी पूरी दुनिया में ये फिल्म को दिखाने की? या पहला प्लानिंग है कि हम इंडिया में रिलीज करें. पहला स्टेप है कि 1000 विलेजेस पर ये फिल्म पहुँचे. ये जो इशू है जेंडर इक्वालिटी का, ये एक ही स्टेट का इशू नहीं है. ये फिल्म हरियाणा की है, पर ये पूरा इंडिया का इशू है. तो हम स्टेट बाय स्टेट जाएंगे, स्कूल बाय स्कूल जाएंगे, यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी जाएंगे, और यूनाइटेड नेशंस के साथ ये मैसेज पूरा फैलाएंगे. क्योंकि आपने बताया, हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है, ना कि सिर्फ हरियाणा की. इंडियन गवर्नमेंट को आप ये फिल्म दिखाने की कोशिश करेंगी, एंड आप कोशिश करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के लोग आए और इसे देखें, देन जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाए. लोग गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे ये फिल्म, और जब वो देखेंगे कि उनके भी बहुत कैंपेन्स रन कर रहे हैं इसी इशू में, और अगर यू नो एक बार उन्होंने देख लिया है, हमने अपना काम कर लिया है, हमने रिस्पॉन्सिबल फिल्म बनाई है, अभी इसके बाद लोग इसको आगे लेके जाएंगे. थैंक यू जी. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. वैसे तो मैं विभा को काफ़ी सालों से जानती हूँ, और आई रियली लाइक ऑल हर वर्क, एंड आई थिंक डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया वाज आल्सो वंडरफुल, सो आई एम श्योर दिस विल बी. और मेरे दो बेटे हैं, और मैं हर रोज़ कहती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी इज़ अबाउट एवरीवन, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो वुमेन फाइटिंग फॉर राइट्स, और मैन यू नो hopefully not being patriarchal, but it's about awareness for everyone that equality is as important for men and women and everyone. So I'm looking forward to this. Having two sons, Sunrise is a great title, so I'm looking forward to the film. And gender equality ki problem hum ab puri duniya Hindustan mein khas karke hai, to kya message jayega aapki taraf se? Okay, ye bahut important cheez hai equality, aur मैं सोचती हूँ कि हम अभी एक ज़माना में रहते हैं वे वी आर एक्चुअली क्वाइट लकी दैट काफ़ी अवेयरनेस है. हमारे बच्चे, उनको तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको लगता ही नहीं कि आदमी और औरत में कोई फ़र्क है, क्योंकि आजकल के ज़माना में अगर दे आर इफ़ दे आर ब्रॉट अप विद द राइट वैल्यूज़ देन एक्चुअली यू कैन ओमिट द होल प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. बट ऑफकोर्स दिस इज़ इन अ वेरी वे आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी परहैप्स वेर देर इज़ अवेयरनेस एंड एजुकेशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिल्म लाइक दिस टू बी मेड विच स्प्रेड द मैसेज एवरीवेयर ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी. इस 2019 में इस साल हम आपके भी कोई प्रोजेक्ट मतलब देखने वाले हैं? हाँ, मेरा शो द तारा शर्मा शो सीज़न 5 स्टार वर्ल्ड पे वापस शुरू होगा. okay. और मैंने रजत कपूर का फिल्म कड़क में भाग लिया है, तो मैं
होप करती हूँ कि वो भी जल्दी रिलीज़ होगा एंड आई होप यू लाइक इट एंड या आई होप टू डू मोर फिल्म्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो लुकिंग फॉरवर्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू